हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मनीषा जैन ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो हम दोनों रेडी हो गए हैं और पीछे बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज आएगी, तो एंजॉय करना, क्योंकि हर बार मैं बोलती हूँ इग्नोर करना, लेकिन अब एंजॉय करना। ये देखे ए चुप। सो अभी मैं करने बैठी हूँ लंच, और उसके पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या खाया है। सो सबसे फर्स्ट मॉर्निंग में मैंने पानी पी लिया था, टेबलेट ले लिया था। उसके बाद मैंने खाया था हाफ एप्पल, ये देखिए पीछे हाफ एप्पल। के बाद ब्रेकफास्ट में मैंने खाया था फ्राई इडली मसाले वाली। उसके बाद मैंने मिड मॉर्निंग मील में लिया था 1 ग्लास मिल्क विदाउट शुगर। और अब मैं करने बैठी हूँ लंच। अभी टाइम हो रहा है 2 o'clock, और ये देखिए बच्चे 2:02 हो रहा है। ये देखो 2:13 हो रहा है। ये जिधर मैं कैमरा लेके बैठती हूँ उधर आगे पीछे बैठ जाते हैं। तो चलिए मैं करने वाली हूँ लंच, और आपको मैं दिखाती हूँ मेरी आज की लंच प्लेट क्या है। सो आज मेरी लंच की प्लेट में है एक रोटी, छोटी सी कटोरी में राइस, एक कटोरी दाल है, साथ में है तुरई की सब्जी, उसके साथ है तुरई के छिलके और बेसन की सब्जी। वो सब्जी भी बहुत टेस्टी लगती है छिलकों की। और उसके साथ लिया है मैंने कुकुम्बर। तो ये है मेरी आज की लंच प्लेट। मैं कर रही हूँ लंच और आपको टेस्ट कर दिखाती हूँ। आज लंच में है तुरई की सब्जी और उसके छिलके की सब्जी बनाई हुई है। तो ये देखिए काफी अच्छा है। और चलिए अब मैं अपना लंच एंजॉय करती हूँ, और आपने लंच में क्या बनाया है वो भी कमेंट कर जरूर बताना। और ये देखिए नीचे बैठकर छोटा छोटा बाइट चबा चबा कर खाना है। और ये दोनों जहाँ से भी होंगे फिर से बार बार आ जाते कैमरे में। तो चलिए अब मैं एंजॉय करती हूँ अपना लंच, और आप भी कीजिए। सो अभी टाइम हो रहा है 3:30, और मैं ले रही हूँ बटर मिल्क सॉल्टेड। तो ये है मेरा आफ्टरनून मील नंबर 5। बहुत टेस्टी है। खाना खा के ऑलमोस्ट मुझे 1.5 घंटा हो गया, और परी अभी सो रही है, बच्चे नीचे खेलने गए, तो नहीं तो सब जन आके बैठ जाते थे। अभी यहाँ पर एक जन इधर ही है, ये देखिए ये भी लड़का। इवनिंग स्नैक में मैंने ली है थोड़ी सी चाय, और उसके साथ ही मैंने ये 3 पुड़िया ली है। ये दिवाली में जो बनाई थी मैदे की, वो है नमकीन मठरिया। तो ये है मेरा इवनिंग स्नैक। इवनिंग का टाइम हो रहा है और प्रिपरेशन हो रही है डिनर की। सो भाभी यहाँ पर कट कर रहे हैं टोमेटो, और तो इसके ही साथ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया। और ये भाभी अभी किचन से आए हैं, ये देखिए जैसे ही कैमरा उनके तरफ के बाल बाल सेट करने लग गए। और मम्मी यहाँ पर कट कर रही है ऑनियन, क्योंकि आज डिनर में बन रहा है गिल्ला भेल, जो कि सबको काफ़ी पसंद है यहाँ पर, तो यही होगा आज का डिनर। सो चलिए अब मैं देती हूँ किचन से अपडेट। आज बन रहा है खाने में डिनर में भेल, ये देखिए इसकी मैं अभी मैं बनाकर दिखाऊंगी आपको, मुंबई स्पेशल भेल। पहले तो शादी के पहले मैं रोज भेल खाती थी, एवरीडे मेरा इवनिंग स्नैक भेल ही होता था, और शादी के बाद उल्टा हो गया, मैं महीनों तक भेल नहीं खाती हूँ, मतलब एकदम ऑपोजिट हो जाता है हर चीज पहले और बाद में। चलिए मैं आपको मेरी प्लेट दिखाती हूँ अब। सो ये है मेरी प्लेट भेल, और ये बच्चा शैतान बच्चा गुंडू बच्चा, और यहाँ पर लग रही है साड़ियों को फॉल। एक साड़ी को मम्मी लगा रही है, एक साड़ी को भाभी लगा रही है। तो चलिए अब बनाते हैं भेलपुरी। तो भेलपुरी बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं ममरे, कुरमुरे, आपके यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ पर इसको कुरमुरा और ममरा बोलते हैं।
तो कुरमुरे ले ली है, इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, और ये थोड़ी सी सिंग ऐड की है, रोस्टेड सिंग है ये। और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे टोमेटो, फिर हम ऐड करेंगे ऑनियन, अगर आपके पास बॉयल पोटैटो है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आज हमने पोटैटो बॉयल नहीं किए थे तो नहीं ऐड किए, वरना वो भी इसमें ऐड किए जाते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा सा सॉल्ट, चाट मसाला, तो ये इसमें मिक्स है सॉल्ट और चाट मसाला, तो वही मैं ऐड कर रही हूँ। फिर इसमें ऐड करेंगे हम चटनी। सो पहले ऐड करेंगे हम इसमें ग्रीन चटनी, कोरिएंडर और ग्रीन चिली और पुदीने की जो चटनी होती है वो। फिर इसमें हम ऐड करेंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो आप गुड़ में या फिर शक्कर में जिसमें भी आप बनाते हो वो, ये इमली की चटनी है, और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप लोग में से किसे किसे भेलपूरी खाना पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट होता था एक टाइम पर, आज भी फेवरेट है पर अब उतना नहीं खाती हूँ, पहले तो काफ़ी खाया करती थी मैं। बस इसे अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम दो सूखा पूड़ी, जो सेव पूड़ी के लिए जो पूड़ी यूज़ होता है ये वो पूड़ी है। तो बस हमारा भेल रेडी हो गया है, अब इसे हम सर्व करेंगे प्लेट में। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बारीक सेव, जो कि स्पेशल भेल के लिए होता है नायलॉन सेव, ये प्लेन सेव है, खाली सॉल्टेड है। और इसके हम ऐड करेंगे चने की दाल, मसाले वाली चने की दाल, थोड़े से पीनट, और ऊपर से हम इस पर ऐड करेंगे थोड़े से ऑनियन और टोमेटो। अगर आपके पास कोरिएंडर हो एक्स्ट्रा तो आप कोरिएंडर भी डालें, और थोड़ा सा नींबू भी ऐड करें, इसका टेस्ट और डबल हो जाएगा। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं था क्योंकि सारा हमने चटनी में यूज़ कर लिया। तो ये देखिए, ये हमारा भेलपूरी रेडी है। कमेंट कर कर बताना आपको कैसा लगा। मैं टेस्ट कर कर दिखाती हूँ। सुपर सॉफ्ट। ये आपके यहाँ पर डिनर में क्या बना है, कौन सी चाट आपको पसंद है, कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए मैं एंजॉय करती हूँ मेरा मील, आप भी कीजिए एंजॉय। सो अभी मैं आई हूँ नीचे वॉकिंग करने के लिए, आधा घंटा वॉक करूँगी, बहुत दिन हो गया, इतने दिन से घर पे तो कर ही रही थी, आज नीचे आई हूँ वॉक करने के लिए। और बच्चे यहाँ पर झूला झूल रहे, धक्का नहीं देना कार्तिक। तो चलिए वॉक करते हैं। और आप लोग वर्कआउट में क्या कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना, कैसे चल रही है आप लोग की जर्नी। इस बार मेरे लिए थोड़ा टफ हो रहा है क्योंकि पता नहीं, एक तो मुझे भूख ज्यादा लगती है, तो भी मैं कंट्रोल कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता है, पर ठीक है मैं ट्राई तो कर रही हूँ, एटलीस्ट जो भी हो ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब मैं करती हूँ वॉक। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है, हेल्पफुल लग रही है। अगर वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन हिट कीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करें, आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।